पब्लिक स्कूल से अभी अपने सभी जनपद वासियों को होली और भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और मैं आशा करता हूं कि जो कोविड-19 संक्रमण एक बार फिर से अपनी लहर फैला रहा है, उसमें हम सभी उससे सुरक्षित रहें और उसके जो भी नियम शर्त हैं उनको आपस में पालन करके और अपने त्योहार को हंसी खुशी बनाएं। और जल्दी हम आशा करेंगे कि अपने विद्यालय जल्दी खुलें। तो एक बार फिर से आप सभी को होली और भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू। छत्रधन से, ये गुड़गांव से नौकरी करके आ रहे थे, तो उनके पास मोबाइल और 30,000 रुपये प्लस इनके कपड़े वगैरह थे। वो ये बस में उतरने के बाद ऑटो में बैठे हैं, ऑटो में बैठने के बाद इन्हें पता नहीं क्या किया, खिलाया गया, जहर खाने की शिकायत मतलब हैं ये, उसके पास पड़े हुए मिले हैं नौशहरापुर के नीचे सरसों के खेत में नीचे। एक कोई शख्स गया, उसने फ़ोन किया है, बताया कि ऐसे ऐसे कि लड़का पड़ा है, तो उसके बाद हमें जानकारी मिली, लड़का फोन लगा रहे हैं तो वो उठा नहीं रहा है, जिसके किसी के पास है वो बार बार हम फोन लगा रहे हैं तो काट देता है बार बार, परंतु उठा नहीं रहा था इसका फोन। इसी एक लड़के दूसरे लड़के ने फोन किया है, पुलिस को हमने बाद में बताया, जब हम घर पर ले गए, घर पर ले जाने के बाद बताया, उसके बाद पुलिस गई हमारे पास, जाने के बाद फिर उन्होंने कहा इन्हें ले जा बजा, ये ज़्यादा दिक्कत होने लगी, पर तब थोड़ा होता है फिर बिल्कुल बेकार हो। देशवासियों को और हमारे फिरोजाबाद वासियों को सभी को होली के पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसे कि हम सभी जानते हैं, पिछली बार होली के बाद से ही लगातार कोविड-19 की वजह से लॉकडाउन हुआ, जो कि काफी टाइम तक चला और बहुत सारे जो है लोगों को बहुत सारी मुश्किलों से गुजरना पड़ा है। और एक बार फिर से जो है कुछ इस तरह के आदेश आए हैं, लेकिन वो सिर्फ होली के मद्देनज़र आदेश आए हैं, ताकि हम लोग पूरी सावधानी बरत सकें, कहीं भी बहुत ज़्यादा भीड़ इकट्ठी ना हो और जो हम सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह से पालन करते हुए अपने इस रंगों के त्योहार को धूमधाम से मनाएं। और मेरी आप सभी से गुजारिश है, पूरे साल में होली जैसा त्यौहार हम एक बार ही मनाते हैं, तो जितनी भी जो सावधानियों के साथ ही हमें इस त्यौहार को मनाना है, ताकि किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी हमारे घर परिवार में, आस पड़ोस में किसी को भी कोई संकट की स्थिति उनके लिए उत्पन्न ना हो। इसी के साथ ही एक बार फिर से आप सभी को होली और दौज के पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।